सर वो रिलेटिव वेलोसिटी से सर स्टार्ट कीजिएगा, समझ नहीं आता कुछ। ठीक है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमको देखना है, एंगुलर देखना है, तो हम यही बताए थे, वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे फिर हम मॉड्यूल, शायद ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है ना अब, शायद लिंक जो भेजा गया था उसमें से देख लेना सर्कुलर वाला। हम भी आज देख के तुम लोग को क्वेश्चंस जी बाद में मैसेज कर देंगे, ठीक है। और वर्क पावर एनर्जी वाला, छुट्टी में 2-3 दिन छुट्टी है तो उसको कंप्लीट करो, और जो भी क्वेश्चन डाउट आ रहा है उसको भेजते जाओ, ठीक है। उस दिन के क्लास में अगर सबका, ज्यादा लोगों का क्वेश्चन रहा, डाउट रहा, तो उस दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर, वो मुझे जो चाहिए था डाउट। ठीक है, उसको कल कर लेंगे, यस सर, शाम में नहीं हो कल, पाएगा। हाँ सर, कल शाम। हाँ हाँ, 4 बजे से कर सकते हो, 3-4 बजे से, पता कल तो सर धनतेरस है ना। हाँ नहीं क्या सर, परसों सकता। है, परसों, फिर तो उसके अगले दिन दिवाली है, पता नहीं। कल वैसे हमको सिर्फ सुबह में काम है, शाम में फ्री है, अब परसों का फिलहाल तो पता नहीं। कल कहीं जा रहे हो क्या? अच्छा, यस ठीक है, देखते हैं फिर परसों, ठीक सर, कल हम आपको मैसेज कर देंगे अगर खाली होंगे। है। यस ठीक है, तो हम लोग सर्कुलर मोशन में देख रहे थे, और इसमें हमने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का बात कही थी। तो रिलेटिव अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर हमको फाइंड करना है, डायरेक्टली अगर हमको प्लेनर एक सर्कल दे दिया है, जैसे ये एक सर्कल है, इसी पे दो बॉडी मूव कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है ओमेगा बी से, मान लेते हैं बी है, ये है, ये जा रहा है ओमेगा एस, ठीक है। तो दोनों जो है सेम सर्कल पे है, या फिर ऐसा भी हो, ठीक है, ये इसमें जा रहा है ओमेगा ए से, ये इसमें जा रहा है ओमेगा बी से, तो इस केस में प्लेनर है, अगर प्लेनर है तो इस केस में अगर हमको ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना है, तो डायरेक्टली जैसे हम लिखते थे वैसा ही लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वेलोसिटी दे रखा हो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, जो लिनियर वेलोसिटी हम लोग यूज करते थे वो दे रखा हो, तब कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए थे कि रॉड का, ठीक है, रॉड है, मान लेते हैं कि गोल गोल घूम रहा है, आगे जा रहा है, जैसे पेन है, तुम किसी दोस्त को फेंकते हो तो देखते हो सीधा सीधा नहीं जाता है, घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। तो लेट से कि इस पॉइंट का वेलोसिटी कुछ है और इस पॉइंट का कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर ये घूमेगा, अगर हम यहाँ पे चीटा बन के बैठ गए, यानी कि हम इस पॉइंट को रेस्ट में मान लिए, तो इसको जब रेस्ट में मानेंगे तो ये हमको ऐसा मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी कि अगर बी यस पॉइंट पे बैठ गए तो ए पॉइंट हमको सर्कुलर पाथ मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि बी पे हमने बैठ गया, यानी कि उसको फिक्स मान लिया, उसको एक्सिस मान लिया है, ठीक है। तो ये अगर मूव कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, ए यस विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और इसको लिखने के लिए हमने बोला कि जब वेलोसिटी दे रखा है तो वेलोसिटी, इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के तरफ नहीं आ रहे। तो हमने बोला कि इधर वाले वेलोसिटी, यानी कि जो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन जो परपेंडिकुलर है, उस वेलोसिटी को पकड़ना है। तो इधर का एक कंपोनेंट आया और इसका, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। तो इसका अगर हम देख रहे हैं कि ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो भी ए भी भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर रिलेटिव लेंगे तो भी ए प्लस बी भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ए भी लिख, ठीक है। तो यही फॉर्मेट हम लोग को यूज करना होगा रिलेटिव मोशन। हाँ, अगर कोई एक बॉडी है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक बॉडी पे बैठ के अगर हम दूसरे पे देखते हैं तो हमको सर्कल दिखेगा, जैसे कि अगर चक्का ही है, ठीक है, ऐसे अगर राउंड राउंड घूम घूम रहा है,
घूम रहा है, चलो आगे भी बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे बैठ जाए इस पॉइंट को देखें, तो हम इस पे जब बैठ जाएंगे तो ये आगे मोशन वाला हमको रेस्ट दिखेगा, ये यहाँ पे हमको ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज, फिर एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पे किए भी थे शायद। सो फिर डिस्कस कर लीजिए ना, समझ नहीं आता आपको। कौन सा? सो वो व्हील वाला, हाँ व्हील चक्का वाला, अभी जो बोले नो सो जो कल करवाए थे, ये कंसेंट्रिक जो था वो वाला, यस यस, ठीक है। जैसे कंसेंट्रिक है, हमने बोला है कि एक पार्टिकल यहाँ ऐसे जा रहा था VA से शायद, और एक को था कि यहाँ से जा रहा था VB से। हम अगर देखें, सोचो कि दोनों राउंड राउंड, एज्यूम करो कि दोनों ऐसे सर्कल में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फीलिंग का ही बात है, अगर फील आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब अगर हम बोल रहे हैं कि हम ए से बैठ के बी को देख रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे अगर हम बैठ जाए, तो ए हमारे लिए अब क्या हो गया? रेस्ट, स्टेशनरी हो गया, यानी कि अब बी जो है उसी के अनुसार उस पे घूमता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस मोमेंट पे देखें, अगर यही मोमेंट होता तो ये हमको ऐसा सर्कल इसके अबाउट करता हुआ दिख रहा है, बी पॉइंट जो है ए के अबाउट मूव करता हुआ सर्कुलर मोशन टाइप का दिख रहा है, कर पाथ फॉलो करेगा, तो यहाँ से इसका एक एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा हमको, यानी कि वही चीज हम लिखना चाहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हमने बोला था कि दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेटिव लेना है, तो दोनों लाइन से परपेंडिकुलर VB और VA है, दोनों परपेंडिकुलर ही है तो चिंता का बात है ही नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम है और रिलेटिव में पहले से माइनस आता है, इसको क्या लिखेंगे, VB माइनस VA अपॉन दोनों लाइन को मिलाने वाला AB, तो AB हो जाएगा RB माइनस RA, ये चीज लिखे। हाँ, अगर A अपोजिट डायरेक्शन होता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, जैसा कि इस केस में यहाँ पे, ये चीज था, ठीक है। सिंपली है, दो पॉइंट्स का अगर दिया रहेगा तो दोनों को लाइन ज्वाइन कर लो, कंपोनेंट्स उसके पैरेलल ले लो, ठीक है, और उस पैरेलल का रिलेटिव लेना है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं उसका रिलेटिव डिवाइडेड बाय दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी, बस। सो हाँ सो यहाँ पे हम लोग सर हर एक का जो वैल्यूज एंगुलर वेलोसिटी वो इंडिविजुअली निकाल के सर ऐड कर सकते, सबट्रैक्ट कर सकते, बिना पॉइंट के एक्सिस के कैसे निकालोगे, बात तो वही ना है, किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है हमें, सेंटर से कुछ। हाँ, तो अगर दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में हम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम कर क्या रहे हैं, ये पॉइंट है मान लेते हैं, इधर कुछ वेलोसिटी वी से जा रहा है, ये अगर हमारा सेंटर है, ये रेस्ट में है, तो इसके अबाउट अगर हम बैठ के देखते हैं तो क्या फाइंड करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी बाई आर, यही आया था ना, यस सर, ठीक है। यहाँ भी हम वही चीज लिख रहे हैं, यानी कि आर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, अब चूंकि ये पॉइंट भी मूव कर रहा है, हम इस पे बैठ जाएंगे तो हमारा उस पे वेलोसिटी ट्रांसफर करना पड़ता है, याद करो एक कार है इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, yes, दूसरा कार था 5 मीटर पर सेकंड से, हम इस पे बैठ के देखेंगे इसका स्पीड क्या लिखते थे, -5, क्या करते थे, इसका वेलोसिटी इस पे उल्टा ट्रांसफर कर दे रहे थे। वही चीज यहाँ है कि हम सेंटर है, ये रेस्ट पे है, तो हम वी बाई आर लिख रहे हैं, अगर लेट से कि हम इसको ज्वाइन कर देते और बोलते कि ये भी इधर जा रहा है वी डैश से, अब हम इस पे बैठे हैं तो इसका वेलोसिटी इधर ट्रांसफर कर देंगे, भी इधर वी डैश हो जाएगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वी माइनस वी डैश बाई आर, ये ओमेगा हो जाएगा, बस वही चीज, क्लियर है। हाँ, लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ जो रिलेटिव यूज कर रहे हैं वो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर,
ठीक है, अब आगे देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा दो से लिखते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या दिक्कत हो रही है बताओगे? दिक्कत नहीं होगा सर, वो क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो सर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें तो यही दिखता है कि मैथ्स है, कहीं भी दिया रहेगा। ले लेते हैं 30 डिग्री, ये कर देते हैं 37 डिग्री 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, फाइंड ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ट्राई करो। ये सर एक सेकंड, सर दोनों का बीच का डिस्टेंस। अच्छा ले लो कुछ भी, क्या रहे 2 ले लो 2 मीटर। सर 1। आंसर हमको नहीं पता है, अभी भी बनाया है। तो माइनस वन हो रहा। रेडियन पर सेकेंड। और किसी का ठीक है, देखते हैं क्या आता है। हमको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इसका इधर आएगा और इसका इधर आएगा। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 5 sin 37 degree यानी कि 3 meter per second। और ये आ जाएगा 10 sin 30 degree यानी कि 5 meter per second। ठीक है, अब हम बी पे बैठ के ए को देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? 3 minus 5/2 यानी कि -1 meter per second। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? एंगुलर है इनटू द प्लेन, हमारा माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एंगुलर जो होता है एक्सियल है। बी पे बैठ के अगर हाथ को घुमाओ तो थंब किधर जा रहा है? राइट हैंड थंब रूल से इनटू द प्लेन। माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनटू द प्लेन डायरेक्शन है हमारा इस एंगुलर वेलोसिटी का। अगर हम बी पे बैठ के ए इधर की तरफ हमको मूव करता हुआ दिख रहा है तो हम राइट हैंड थंब रूल से बी पे खड़े होके ए के अलोंग हम राइट हैंड के चारों फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब किधर जा रहा है बोलो? ऐसा सर्कल है, इस सर्कल में अगर चारों फिंगर्स को हम घुमा रहे हैं तो थंब किधर जा रहा है राइट हैंड का? वर्टिकली डाउनवर्ड इन टू द प्लेन।
तो वही माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू द प्लेन डायरेक्शन है इस ओमेगा का। ठीक है, ए पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है पॉइंट ओ के अबाउट। So v by 2d, हाँ v by 2d ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल है। इसमें तो ओ का वेलोसिटी दे नहीं रखा है, ये दोनों को मिला दिए, यहां से हमको परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डी डी 45 है तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री इधर की तरफ क्या जाएगा, वी बाई रूट टू, ध्यान से दिख रहा है, वी कॉस 45 वी बाई रूट टू। तो ओमेगा ऑफ ए अबाउट ओ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका तो वेलोसिटी जीरो है, तो रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग हमको सिर्फ वी बाई रूट टू ही दिख रहा है, ओ का तो जीरो है तो जीरो कर दिए, डिवाइड बाई डिस्टेंस यानी रूट टू डी, हमको क्या दिख रहा है, वी बाई टू डी। ठीक है, ये ए है, इधर मान लेते हैं कि वी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड वी से घूम रहा है सर्कल में। ठीक है, एट दिस मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा। So first का v by 2r और second का v by 3r। ठीक है, देखते हैं, अगर हम a with respect to b लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, v minus 0 by 2r, yes sir, और इसमें क्या लिखेंगे, v minus 0 by 3r, 3r। सिंपल सा, अगर भी बाई आर को ओमेगा बोलते हैं तो ओमेगा बाई टू हो जाएगा, इसको हम ओमेगा बाई थ्री लिख सकते हैं इफ भी बाई आर इक्वल टू ओमेगा अगर दे रखा हो। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में हो गया सिर्फ जीरो है क्या,
जीरो कैसे आएगा? नो 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 सर, सर टू बी वाई टू बी वाई आर सर, ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिला रहे हैं तो क्या आ रहा है? इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन है, तो बी माइनस माइनस भी लिखेंगे डिवाइड बाई टू आर, यानी क्या जा रहा है वी बाई आर यानी ओमेगा के बाद, क्योंकि ये चीज जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो तो वी बाई आर लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग फाइंड करना होता है, क्लियर है अब? उसके रिस्पेक्ट में भी सर, वो के रिस्पेक्ट में भी सर ये एंगल विद ओमेगा और उसके रिस्पेक्ट में भी ओमेगा, हाँ क्योंकि ये साथ साथ ही घूम रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है? अगर हम बी जैसे दोनों के बीच का दूरी हमेशा क्या रह रहा है, टू आर कांस्टेंट ही रह रहा है, टू आर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, ठीक है? पहले देखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर वेलोसिटी अब एक्सेलरेशन, ये भी सिंपल सा ही है। अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा एवरेज का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एवरेज क्या लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज इन ओमेगा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी कि ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम, डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन भी कर सकते हैं, और डेल्टा टी को हम टी लिख रहे हैं, ठीक है? ये था एवरेज। फिर इंस्टेंटेनियस का बात करें, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस अगर रहेगा तो इसको डायरेक्टली हम अल्फाज लिख रहे हैं, ये कब लिखते हैं जब लिमिट डेल्टा टी क्या हो टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है? ये चीज क्या रिप्रेजेंट करते हैं सबको पता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हाँ मतलब डेल्टा टी जो है टेंड्स टू जीरो है, जब जीरो हो जाए तो उसको ऐसे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ऑल्सो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी है, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी थे टू थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है? और थीटा के टर्म में जैसे हम लोग एक्सेलरेशन लिखते थे वी डी वी बाई डी एक्स, तो वैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है? हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, वहीं से रिलेट करके डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स भी लिखा करते थे हम लोग, याद है? Yes, sir. तो वैसे ही इसको हम लोग ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, सब कुछ वही है। ऑल्सो फॉर कॉन्स्टेंट अल्फा, ठीक है? अगर अल्फा कॉन्स्टेंट रहा तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो किसी भी टाइम पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्या लिखते थे वी इक्वल टू एटी, तो वैसे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है? वैसे ही अगर हम ओमेगा स्क्वायर लिखे तो लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, यानी कि जो हम वहां पे ये तीन इक्वेशंस यूज किए थे यहाँ भी सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो बोलेगा कि एक पंखा है चालू हुआ, ठीक है, रेस से चल रहा है, या फिर इतना चल रहा था हम स्विच ऑफ कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, वैसा तो कितना रोटेशन करेगा ये हमको बताओ, ठीक है? यानी कि बहुत ही आसान चीज है, हाँ, क्योंकि हम लोग वो सब चीजें जो कर चुके हैं वही है, बस यहाँ पे एंगल वाले टर्म्स यूज होंगे, ठीक है? जैसे दो एग्जांपल करते हैं इस पे भी, कि अब फैन है रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ओमेगा नॉट जो है 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड चल रहा है, इनिशियल ओमेगा नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल, ओमेगा फाइनल को बोल रहा है कि देन स्विच इज ऑफ, ठीक है? स्विच को हम ऑफ कर दिए जब इतना स्पीड हुआ, तो इट स्टॉप्स इन
5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट में रुकता है, हमसे पूछ रहा है। पहला, फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बिफोर स्टॉपिंग। टोटल कितना रिवोल्यूशन किया होगा स्टॉप होने से पहले। बी, अल्फा कितना होगा रिटार्डेशन। और सी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तीनों चीज फाइंड करने हैं। इसका यूनिट क्या होगा बताओ तो। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, यानी कि एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होगा। हो गया? यस सर, एक सेकंड। ठीक है, जैसे कि हमको अल्फा पूछा है, तो अल्फा क्या होता है? v माइनस u बाई t, a इक्वल टू होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t कर दिए, आ गया, क्योंकि रुक जा रहा है तो ये हो रहा है। थीटा अगर निकालना है तो अल्फा है तो भी कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। हम ये लगा रहे हैं ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। हाँ सर, ओ ये ओमेगा का रेडियन रेडियन पर सेकंड होता है ना? हाँ, तो वहां पे 100 रिवॉल्यूशन था। रिवॉल्यूशन भी, अच्छा ठीक है, तो रिवॉल्यूशन लिख लो, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। यहाँ भी रिवॉल्यूशन आएगा, 1 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन बोलो। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन, ठीक है। तो रेडियन रिवॉल्यूशन लिखिए सर आप।
क्वेश्चन में रिवोल्यूशन दे रखा है इसलिए रिवोल्यूशन से चेंज कर दिए। ठीक है, रेडियन में रहेगा तो वन रिवोल्यूशन इक्वल टू टू पाई होता है, तो टू पाई से हमको मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, थीटा आराम से आ जाएगा, ओमेगा जीरो है, हम सेकंड वाला यूज कर रहे हैं, तो माइनस 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू अल्फा है माइनस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 150 इंटू 100 रिवोल्यूशन, ये मिलेगा। ठीक है, इतना रिवोल्यूशन हमको मिल गया, यानी कि टोटल हमको रिवोल्यूशन ही ना फाइंड करना था। यस, तो ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन डायरेक्टली मिल गया। एंगल पूछेगा कितना एंगल मूव किया, तो 2 पाई से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, या फिर ये भी बोलते हैं फाइनल प्लस इनिशियल वेक्टर फॉर्म में डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये 100 बाई टू हो जाएगा, यानी कि 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, 300 से डिवाइड भी करते हैं इसको, तो ध्यान से देखो उतना ही आ रहा है। थीटा को 300 से डिवाइड करके देख लो, वही चीज आ रहा है। क्लियर है? एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10 पाई रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, अल्फा दे रखा है माइनस 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा टाइम 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड में फाइंड करना है सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा होगा माइनस 30 पाई। यस सर। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
कितना आ रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स या रिवोल्यूशन? सो उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, सो 15 आ जाएगा। और किसी का सोचो, ओमेगा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है, तो पहले वो पॉजिटिव में कुछ रिवोल्यूशन करेगा। सर 50 रिवोल्यूशन टोटल, 50 नहीं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे कि ओमेगा नॉट है 10 पाई, ठीक है, तो जीरो होने में कितना रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है, तो फॉर सर आ गया 25 ओमेगा इज जीरो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से, अल्फा है तो कितना देर में आ जा रहा है जीरो, 2 सेकंड में वो जीरो हो जा रहा है, तो इतने देर में वो कितना रिवोल्यूशन करा होगा, तो थीटा इसमें हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं कितना 60π - 1/2 × 5π × 2² यानी कि 50π आ रहा है, ठीक है, इतने ही आ रहा है ना, 2 का square 60π - 1/2 = 4 × 10 = 50π यही आएगा ना, हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि अगर ये पार्टिकल मान लेते हैं यहां से शुरू हुआ है, ऐसा सर्कल में घूम रहा है, तो जीरो हुआ है उस समय ये 50π ऐसा घूम लिया है, यानी कि 25 राउंड तो पहले मार चुका है सर, वहां 20π होगा ना, यस सर, अच्छा यहाँ पे टाइम 2 ना रखेंगे, ठीक, तो 2 रखेंगे तो 20π, 20 - 10, 10π, ठीक है, 10π यानी कि 5 रिवोल्यूशन, ठीक है, ये ऐसा मतलब कि इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि मूव कर रहा है, तो और इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट है, इस डायरेक्शन में अल्फा है, ठीक है, यानी ओमेगा नॉट को पॉजिटिव, अल्फा को निगेटिव माने, इनटू द प्लेन निगेटिव लेते हैं, तो अब इस डायरेक्शन में यानी कि इधर उसने 5 रिवोल्यूशन मार चुके हैं, अल्फा है, उसके बाद ये जाके रुका होगा, रुकने के बाद फिर वो डायरेक्शन चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज किया है तो फिर से -30 जा रहा है, यानी कि पहले इस 10π को न्यूट्रलाइज किया होगा, उसके बाद -30 गया होगा, बात समझ आ रहा है, यानी तो 5 जो है पॉजिटिव में, 5 रिवोल्यूशन निगेटिव डायरेक्शन में, और यहां से 15 रिवोल्यूशन हमको मिलेगा, तो टोटल कितना रिवोल्यूशन मिल रहा है बोलो, 25 रिवोल्यूशन इक्वल टू 25, सबको क्लियर है, ये वही सवाल हो गया कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जाता है, रुक के फिर नीचे आता है, तो वैसे ही ये पार्टिकल जो है पहले मान लेते हैं कि एंटी क्लॉक वाइज में 5 राउंड लगा चुका है, उसके बाद 15 राउंड इस एंगल से हमको लिख रहा है कि इस पोजीशन से वो 15 राउंड लगा चुका है, तो पहले उस पोजीशन पे आने के लिए वो 5 निगेटिव में और लगाया होगा, तब -30 गया है, यानी कि +10π था, अब -30π है, ठीक है, तो पहले 5 रिवोल्यूशन, फिर 5 और फिर 15, यानी कि टोटल एंगल देख लो तो 10 प्लस में था और -40 हुआ है, टोटल 50 एंगल चल रहा है, तो इसलिए हम 25 रिवोल्यूशन कर रहे हैं।
सर ऐसे से सवाल रहेंगे। हाँ सर टाइम उसके पास 4 सेकंड और बचा था जब 0 हो गया था, हाँ उसके बाद तो राउंड मार और के उस फिर समय उल्टा उसका आया, ओमेगा भी 0, जीरो हो हाँ उसके गया है। बाद उसका ओमेगा भी उस समय 0 हो गया था, हाँ तो वो वाला फॉर्मूला से फिर से यूज करके नहीं निकाल सकते हैं? जब हमको नंबर ऑफ टर्न निकालना है, निकालो, 40 आएगा आंसर थीटा। ठीक है, यहाँ हाँ से सर, अब हम निकालेंगे तो 40 आएगा, ठीक है, प्लस 10 है और उधर से -40 आएगा, टोटल 50, 50/2π 25। वही चीज हम यहाँ भी कह रहे हैं कि जब 10 हम पॉजिटिव में गए ही हैं, जैसे यही केस हो गया, जैसे मान लेते हैं ओरिजिन है हमारा, इधर हम 10 मीटर गए, घूम के इधर हम -30 पे खड़े हैं, ठीक है, तो पहले 10 गए, फिर 10 आए, तब नहीं -30 आए, बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। सो हाँ इसमें एडिट डिस्प्लेसमेंट में सर हम लोग सर जो वापस घूम के गया उसको कंसीडर करेंगे सर? तो करेंगे नहीं, जैसे कि यहां से हम बोले थे कि ऐसे अगर राउंड लगाया तो ये 0 डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये 2π डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर से आया तो ये 4π हो गया, लेकिन अगर यहाँ से वापस गया तब तो 0 होगा ना, उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो। यस ठीक है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल पी है, पी से यहाँ पे पी डैश पे आया है, ये एंगल मूव किया डेल्टा थीटा, ठीक है, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहा होगा, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो अल्फा क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई थीटा, ये लिखते हैं। अगर हम डेल्टा थीटा का बात करें या फिर ये डिस्टेंस का बात करें तो डेल्टा एस इक्वल टू हम लिखेंगे आर डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा एस हम इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं, ये पी पी डैश को, अगर हम इसको डेल्टा एस बहुत ही स्मॉल है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलेगा, डीएस बाई डीटी, जिसको हम बोलते हैं वी है, ये हमको मिलेगा आर, आर रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा नहीं कि आर ओमेगा, लास्ट क्लास ये हम लोग रिलेशन निकाले थे, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, फिर से बता दिए कि कहीं पर अगर ऐसा दिख जाए तो घबराने का बात नहीं है, क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग लास्ट क्लास भी प्रूफ किए थे, ये चीज है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि इधर की तरफ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि स्पीड को चेंज कर रहा है, वही अगर कोई भी पार्टिकल है अगर ऐसा इस पाथ की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वही उसका स्पीड चेंज करेगा, यानी कि जो भी एक्सेलरेशन टूवर्ड्स मोशन होता है वही उसका स्पीड चेंज करता है, तो हम उसको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं और एटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये स्पीड इसका चेंज हो रहा है, तो इसको फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दें तो हमको क्या मिलेगा, डीवी बाई डी टी, चेंज इन क्या है, वेलोसिटी, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और वो क्या मिलेगा, आर तो हमारा कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो ओमेगा, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं, तो ये आया हमारा ये चीज, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि ए टेंजेंशियल जो है आर इन टू अल्फा मिल रहा है, ठीक है, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा मिल रहा है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे हैं तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ए टेंजेंशियल क्या मिल रहा है, आर अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ए टी क्या है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस बात का ध्यान रखना है। इसी चीज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर जैसा वेक्टर फॉर्म है वैसा ही ये भी आ जाएगा, अल्फा
क्रॉस आर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखेंगे, चूंकि सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में आर और ये जो अल्फा है दोनों 90 डिग्री पे ही है, क्योंकि अल्फा इनटू द प्लेन है और आर है, देख लो 90 डिग्री दिख रहा है क्योंकि ये आर है और अल्फा इनटू द प्लेन, इस केस में आउट ऑफ द प्लेन, तो दोनों के बीच में एंगल हमको 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली ये चीज यूज करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है हमको पता है, लेकिन हमको एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लिखेंगे तो आर अल्फा साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्टली हम लोग टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज और लिख रहे हैं, यहाँ पे डी वी बाई डी टी, ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंस है इसका, लिखा हुआ उस चीज का इम्पोर्टेंस है कि क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डी ओमेगा बाई डी टी जो है ये क्या है, तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। आगे भी कुछ टर्म्स इसी टर्म में आएंगे जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं ये एक पॉइंट है, आगे भी जो आएगा उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों का और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये सब चीजें, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों ने डिस्कस करा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डीवी बाय डीटी डायरेक्शन के साथ। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अलोंग रहा तो स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी के अपोजिट रहा तो स्पीड घटेगा, ठीक है। आगे चल के हम यही देखेंगे ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन स्पीड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि रेडियल क्या है, टुवर्ड्स रेडियस, और टेंजेंशियल टेंजेंट के अलोंग, तो हम एक केस ले रहे हैं, केस क्या है, वेक्टर फॉर्म है, इधर एक्स है इधर वाई है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पार्टिकल इस पॉइंट पी पे था, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन रेडियल होगा, ठीक है, तो हम यूनिट वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वेक्टर से, ठीक है, आर के रेडियस भी यूज करना है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई यूनिट वेक्टर है जो रेडियल है, ई आर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ है, ये टेंजेंट है तो इसको हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं ई टी, ठीक है, ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, ठीक है, और ई टी जो है यूनिट वेक्टर टेंजेंट, ठीक है, यूनिट वेक्टर है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसको अगर हम एक्स और आई के रिस्पेक्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ई आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कंपोनेंट हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि गंदा हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा होगा तो बोलो दिखाएं, बोलो, यस सर, इसका यूनिट तो 1 है, यहां से हमको एंगल थीटा दिख रहा है, तो इधर की तरफ क्या लिखेंगे 1 कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे साइन थीटा, यानी कि हम ई आर वाले का ये वाला चीज हम देख रहे हैं, दिख रहा है यूनिट है तो यूनिट है, तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अगर हम x की तरफ कंपोनेंट ले रहे हैं तो cos थीटा आ रहा है, y के अलोंग sin थीटा, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, वैसे ही ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा,
तो अगर हम ईटी को लिखना चाहें टेंजेंशियल वाले को कहते हैं, तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, माइनस साइन थीटा आएगा, आ जाएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप, दिख रहा है? बोलो सब, हेलो। यस सर। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, इधर की तरफ लेंगे तो 1 कॉस 90 माइनस थीटा देखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा माइनस डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन थीटा। अच्छा आई कैप, ठीक है। तो ये अच्छे से हमको दो वेक्टर्स मिल रहे हैं एक्स और वाई के टर्म में हमने लिखा है। हम एक्चुअली में इसलिए लिखे क्योंकि हम एक्सेलरेशन का हम इस दोनों के डायरेक्शन में लिख लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि रेडियल कौन सा है टेंजेंशियल कौन सा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमको दो यूनिट वेक्टर्स मिल गए। अगर हम ओपी का बात करें, ठीक है, यानी कि हमारा ओ है पी है, तो ओपी वेक्टर क्या है, तो आर उसका मैग्नीट्यूड होगा और वो रेडियल के अलोंग है, तो यूनिट वेक्टर रेडियल, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। कोई भी वेक्टर हमको लिखना होता है तो हम मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड जो है ओपी का आर है रेडियस और रेडियल डायरेक्शन में, तो ईआर हम कर दी। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर साइन थीटा जे कर, हम यहां से इस चीज का वैल्यू रखती हैं। किसी को दिक्कत? फिर डायरेक्ट भी तो आप बोलो। लिख सकते थे ना। हाँ, मतलब ऐसे बताने के लिए लिखे हैं। यस सर। ठीक है, अगर हम आर को डायरेक्टली लिखते तो आईजे में तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन उस वेक्टर के अलोंग लिखने के लिए हम दिखा रहे हैं, डायरेक्टली हम चाहते तो यहाँ से ऐसे कंपोनेंट ले लेते, आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप लिख सकते थे। ठीक है, अगर देखो तो, ठीक है, अगर हम ये आर को कॉस थीटा साइन थीटा के रिस्पेक्ट में जब लिख रहे हैं तो ध्यान से देखो, थीटा अगर चेंज होगा तो उसका पोजीशन भी चेंज होते हुए दिख रहा होगा, सर्कल एज्यूम करके वो देखो, यानी कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा बताओ, पोजीशन वेक्टर है ये हमको, यस सर, वेलोसिटी हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चेंज इन पोजीशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं, डी ओ पी वेक्टर बाय डी टी। ठीक है, चेंज का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आर वेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, डी आर वेक्टर लिख रहे हैं बाय डी टी। तो ये क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, आर कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी आई कैप प्लस, अच्छा माइनस आएगा यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप, यानी कि हम वेलोसिटी कैसा लिख रहे हैं, देखो आर ओमेगा कौन कॉमन ले लिए क्योंकि डी थीटा बाय डी टी जो है ओमेगा है, यहाँ से माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप मिल रहा है। ध्यान से देखो तो ये आर ओमेगा ए इंटू टेंजेंशियल कैप, ठीक है, यानी कि जो हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड हमने पहले भी लिखा था तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आया था, यहाँ वेक्टर फॉर्म में क्या मिल रहा है, आर ओमेगा ई टेंजेंशियल के अलोंग दिख रहा है, यानी कि जो हमारा वेक्टर आ रहा था वो किसके अलोंग है, टेंजेंशियल के अलोंग। अब हमने देखा कि अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डीवी बाई डी टी फाइंड कर देते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो डीवी बाई डी टी लिखेंगे,
तो हम इस वाले कण को कंसिडर कर रहे हैं, तो आर जो है कॉन्स्टेंट है उसको हम रख ले रहे हैं, ओमेगा डी माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे डिवाइड बाई डी टी प्लस माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे डी ओमेगा बाई डी टी, यही मिलेगा हमको। ओमेगा भी चेंज कर रहा है तो u इंटू वी के टर्म में हमने लिख दिया है, पूरा मैथ्स है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बोलो। ठीक, किसी को भी r कांस्टेंट है इसलिए हम ब्रैकेट से बाहर ले लिए हैं ओमेगा और ये चेंज हो रहा था। इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान से देख के बोलो, जो ओमेगा है तो ओमेगा तो रहेगा। इसको माइनस कॉस आई कैप कॉस थीटा माइनस साइन आई कैप साइन जे कैप और डी थीटा बाई डी टी रहेगा तो ओमेगा एक और आ जाएगा। यस सर, चलो डी थीटा बाई डी टी ही लिख रहे हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। किसी कोई दिक्कत? दोनों में रहेगा हो जाएगा ना। हाँ हाँ, लास्ट में तो फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा छुट्टी गया अल्फा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? डी अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या चीज दिख रहा है हमको। ये मिल रहा है आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस हम लगा दें तो ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप दिख रहा है, ये वाला हमको दिख रहा है, यानी कि ई रेडियल प्लस यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है अल्फा इंटू आर अल्फा इंटू ई टेंजेंशियल। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो ये चीज दिख रहा है, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम बोल रहे हैं रेडियल अलोंग रेडियस है और ये जो है टेंजेंशियल है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन का अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज को मिला के ही नेट एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो ध्यान से देखो, तो अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है अगर इधर ओमेगा से घूम रहा है या वी से घूम रहा है, वी इक्वल टू ओमेगा आर लिखते हैं तो इस पे माइनस आ रहा है, यानी कि इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ रहा है रेडियल और इधर की तरफ एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल अगर है तो स्पीड बढ़ रहा होगा, ये रेडियल भी बढ़ रहा होगा, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है तो ये रेडियल हम लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर आर, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डेट इज इक्वल टू ओमेगा को हम भी लिख सकते हैं तो भी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये रेडियल एक्सेलरेशन हमारे तरफ आ रहा है कि भी स्क्वायर बाई आर, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और ए टेंजेंशियल जो है वो स्पीड को बढ़ाने घटाने, हमेशा टेंजेंट के अलोंग लग रहा है तो ये जो है स्पीड को गवर्न कर रहा है, यानी कि स्पीड बढ़ाने घटाने काम कर रहा है ये डायरेक्शन, यानी कि ये रेडियल जो है हमेशा इधर की तरफ लग रहा है तो यही इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर पॉइंट पे, और टेंजेंशियल जो है वो स्पीड चेंज हो रहा है। तो कभी भी सर्कुलर मोशन होगा तो हमको ये दो एक्सेलरेशन के बारे में देखना पड़ेगा। अगर हम इसमें किसी स्पेशल केस बोले कि अगर ए टेंजेंशियल जो है वो जीरो है, टेंजेंशियल अगर जीरो है इसका मतलब क्या है कि ए टेंजेंशियल हमको मिला आर अल्फा, यानी कि अल्फा जीरो है। ठीक है, यानी कि अल्फा जीरो है तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंस जो हमारा ए रेडियल होगा वी स्क्वायर बाई आर, इसमें हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट इंप्लाइज दैट कि v इक्वल टू जो होगा कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। स्पीड जो है कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म में, वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज होते रह रहा है, ठीक है। कैसे चेंज हो रहा है, तो भले ही स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। वैसे ही एक्सेलरेशन का भी, भले ही मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन रेडियल डायरेक्शन है। देखो पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो एक्स रेडियल इधर की तरफ हो जाएगा, यहाँ आएगा तो अंदर की तरफ होगा, हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ना कांस्टेंट है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि बहुत जगहों पे मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। डीवी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो उस टाइम पे कौन सा एक्सप्रेशन लग रहा होगा जब यूनिफॉर्म पोर्शन में टूट रहा होगा, तो सिर्फ रेडियल लगेगा वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। आगे चल के देखेंगे जब फोर्सेस का बात करेंगे, तो कभी भी सर्कुलर मोशन के लिए ये रेडियल का होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट रेडियल हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन फॉलो ही नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बताएंगे फोर्सेस में जब जाएंगे, तो चलो एक एग्जांपल छोटा सा दे देते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, रेडियल कैसे लगेगा सर, उस समय तो सर v कांस्टेंट रहेगा तो सर ओमेगा भी तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा, तो सर रेडियल का तो होता ना ओमेगा बाय आर। हाँ, तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो सर रेडियल एक्सेलरेशन पे कैसे लगेगा, रेडियल एक्सेलरेशन। देखो जैसे कि होता क्या है, एक्सेलरेशन फोर्स से आता है। हम मान लिए एक रस्सी में एक स्टोन बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं, बात समझ रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हैं जो, ठीक है। अगर हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम कांस्टेंट स्पीड से उसको घुमा रहे हैं, यानी कि हम स्पीड उसका चेंज नहीं कर रहे हैं, गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, फील करो। अब वहां पे जो टेंशन लग रहा होगा उस समय, वो टेंशन की वजह से यहाँ पे वो रेडियस के अलोंग लगेगा, क्योंकि अगर हम गोल गोल घुमाएंगे तो देखो, अगर स्टोन बांध के अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये टेंशन इधर की तरफ लग रहा होगा, यस सर। तो ये टेंशन जो है वो रेडियल फोर्स प्रोवाइड करता है और उसके कारण से रेडियल एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। अब इधर का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है, यानी कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है, सिर्फ क्या है, तो रेडियल एक्सेलरेशन है। अगर हम यहाँ से रस्सी टूट जाता है तो ये क्या करेगा, इधर सीधा का सीधा भागेगा, ये बात क्लियर है। अगर हम उसको गोल गोल घुमा के छोड़ते हैं तो जहां छोड़ेंगे तो रिलीजिंग पॉइंट पे सीधा का सीधा भागेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स जो है, रेडियल फोर्स जो है वो हट जा रहा है, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन हट जा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो फोर्सेस में डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स में कि कैसे होता है, कैसे एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा। फिलहाल हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है तो दो दो एक्सेलरेशन लग रहा है, दो दो क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, कोई भी फोर्सेस लगेगा तो एक्सेलरेशन का नेट जो होगा, नेट फोर्स होगा उसी का नेट एक्सेलरेशन लगेगा। हम उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ के दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि प्लेनर बॉडी है तो एक डायरेक्शन मान लिए, एक का दूसरा डायरेक्शन मान लिए, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो तोड़ के पढ़ते हैं तो एक जो फोर्स होगा या एक एक्सेलरेशन जो होगा हम उसको टेंजेंशियल लेंगे, दूसरा जो होगा रेडियल होगा। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे तो उस समय जो है अल्फा जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन होगा।
ठीक है, यानी कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमसे जैसे नोट पॉइंट है सकते हैं, अगर हमसे कोई एक्सेलरेशन बोला है कि डीवी बाई डीटी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है, तो ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद क्या थोड़े कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहा है मैग्नीट्यूड कह रहा है, कांस्टेंट थोड़े लिखा हुआ। यस सर। ठीक है, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। हो सकता है कि हमको ऐसा भी मिले, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है। यस सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चेंज इन स्पीड, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा एक्सेलरेशन, टोटल। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन का चेंज बता रहे हैं क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड लिखे हैं। बात को ध्यान से देखना है, यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, तो टोटल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन के साथ, रेडियल वाला डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो उसको भी ये कंसिडर कर रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि टेंजेंशियल है। ठीक है, तो इन सब चीज को कंसिडर करते हुए अगर हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन जो है हम डीवी बाई डीटी लिखते हैं, तो डीवी बाई डीटी को क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, सिंस वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होता है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते ओमेगा क्रॉस आर सॉरी। ठीक है, तो इस फॉर्म में ध्यान रहे कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ओमेगा पहले है या आर बाद में, क्रॉस के चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? ये जो है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रिपिटल और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंशियल, अल्फा क्रॉस आर हो जाएगा और ये डी आर बाई डी टी जो है आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा नहीं सेंट्रिपिटल। ठीक है, फिर से वो लिख देते हैं, अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो लिखेंगे ए सेंट्रिपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। अच्छा, ये जो रेडियल होता है ये रेडियल है, तो रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग ऑल्सो नाम दे देते हैं सेंट्रिपिटल। ठीक है, सेंटर की तरफ लगता है तो अलग से नाम देते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, मोस्टली जगह पर हम सेंट्रिपिटल ही यूज करेंगे, हमेशा ये सेंटर की अलोंग ही रखेगा, ये हमेशा बी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके पास दो दो कंपोनेंट्स होंगे, टेंजेंशियल और रेडियल। टेंजेंशियल अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो उसका स्पीड चेंज होगा, अगर सेम डायरेक्शन में रहा तो स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड घटेगा। अगर रेडियस के लॉन्ग रह रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रह रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है इस पार्टिकल को इस सर्कल में मूव कराने के लिए, हर पॉइंट पे ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है फोर्स इधर लग जा रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इधर कहीं चेंज होगा,
तो वैसे ही हर जगह पे फोर्स लगते जा रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग फोर्स में डिस्कस करेंगे यानी जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे तब। फिलहाल सिर्फ देख रहे हैं कि क्या चीज हो रहा है। ये होता है हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इस पे इजी इजी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। वो फिर से सुन लेना एक बार। कौन सा? नीचे सबसे लास्ट तो ये वाला उसके ऊपर वाला। जैसे कि v is equal to omega cross r है तो dv by dt लिखोगे तो क्या लिखोगे? u v के फॉर्म में ही लिखेंगे तो हम यही बोले कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि पहले ओमेगा है तो u क्रॉस भी है तो u क्रॉस dr by dt plus d omega by dt क्रॉस r, बस यही बोले। और ये डी ओमेगा बाई डी टी जो होता है अल्फा है तो ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा क्रॉस आर दिख रहा है तो अल्फा क्रॉस आर जो होता है टेंडेंशियल एक्सेलरेशन होता है। फिर ये ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी चेंज इन वेलोसिटी है तो ये हमको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देता है। सर आर तो कॉन्स्टेंट रहता है तो सिर्फ आर को क्यों वेरिएबल बनाया? आर वेक्टर तो चेंज हो रहा है ना, आर का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है। R जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमको पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। उसका डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रहा है ना, ऊपर लिखे हैं। ठीक है, इस OP को ही R बोले थे, इसको R वेक्टर। कहाँ कहीं लिखे थे एक जगह? OP को है, पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो R तो चेंज हो रहा है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड R कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, चलो एक फॉर्मूला और लिख ही देते हैं, बाकी दिख तो रहा है। A टेंजेंशियल हमको क्या दिख रहा है वेक्टर फॉर्म में? अल्फा क्रॉस R। एंड A सेंट्रिपिटल क्या दिख रहा है? ओमेगा क्रॉस V। ठीक है, सर्कुलर मोशन में v को ओमेगा आर लिख लेते हैं तो ये हमको ओमेगा स्क्वायर आर मिलता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, 4-5-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद डायनेमिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस मॉड्यूल में या फिर एचसी वर्मा में देखोगे तो उसपे भरा पड़ा मिला हुआ है क्योंकि काइनेमेटिक्स वाले ही हैं तो ज्यादा क्वेश्चन करा के कोई मतलब है नहीं क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हो, फॉर्मूले वही 3 हमको यूज करने हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सर्कुलर मोशन पे ही कंसंट्रेट करेंगे, हम लोग उस पर ज्यादा मतलब कि क्वेश्चन तुम लोग करो, सीखो, जहां भी डाउट होगा उसको पूछो क्योंकि फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड यानी एक्सेलरेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद डायनेमिक्स शुरू करेंगे। डायनेमिक्स करने का मतलब काइनेटिक्स। ठीक है, यानी कि क्या रीजन है सर्कुलर होने का, कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, किस फोर्स की वजह से वो उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। यानी कि एक तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चलेगा। ठीक है, अलग अलग केसेस में, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। ठीक है फिर सर। हाँ, अगर अप्रैल से नॉर्मल क्लास चलता होता तो अभी तक कौन सा चैप्टर पहुंच चुका होता? अप्रैल से चलता तब तो बहुत आगे हो गया रहते हैं, मान लो फिर भी कौन सा चैप्टर? हीट वाले पोर्शंस में भी, ये ग्रेविटेशन ये सब खत्म हो के, जैसे पिछले साल अभी के टाइम में हम लोग का हीट वाला शुरू हुआ था। ठीक है, हीट वाला पोर्शन। सो थर्मोडायनेमिक्स। हाँ वही थर्मोडायनेमिक्स, हीट हीट ट्रांसफर ये सब। सो कितने चैप्टर बाद है अभी? तो बहुत, इसके बाद
अति है, कोलिजन है, यानी सेंटर ऑफ मास है, फिर रोटेशन है, ग्रेविटेशन है, फ्लूइड है, फ्लूइड में फिर इलास्टिसिटी है, फिर हीट आएगा, फिर एफिशिएंट आएगा, ये बहुत है। उसके बाद से थोड़ा ना है, 3 महीना पीछे हैं तो हो ही, कब शुरू हुआ है बताओ? अप्रैल के लास्ट से स्टार्ट हुआ, अप्रैल के लास्ट में क्लास शुरू हो गया था 29 से। तब तो बहुत पीछे हो, बीच में क्लासेस डिस्टर्ब रहा है क्या? नो सर, ऐसे ही चल रहा था क्लास तो। तब तो 29 यानी मई भी शुरू हुआ है, और वीक में अगर 3-4 क्लास भी लग रहा है तब तो बहुत आगे होना चाहिए था, कम से कम रोटेशन खत्म होने वाला चाहिए था। हाँ, पहले क्लास कम लगता था, तो पहले सप्ते में 2-3 ऐसे लगता था कभी कभी। ठीक है, हमको तो लग रहा था कि जुलाई वुलाई में शुरू हुआ है, जून जुलाई में। नो ठीक है, अभी 12th वाला खत्म हो जाएगा तो फिर तुम लोग में क्लास मेरा बढ़ेगा कहीं। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना पहले? हाँ, टारगेट है सर, टारगेट वही समझो कि फरवरी मार्च मिड। सर मार्च अभी देख नहीं रहे हो कितना पीछे है, अगर क्लासेस बढ़ा इस रेट से चलेगा तब, अगर क्लासेस बढ़ा तो फरवरी लास्ट तक तो खत्म हो जाएगा। सर अतुल सर बोल रहे थे कि सर दिसंबर तक सिलेबस खत्म और बाकी मेरे मेरे। दिसंबर तक कहाँ हो पाएगा, नवंबर चल रहा है सर। हम लोग का सिलेबस, हाँ सर हम लोग का सर 11-12 दोनों कंप्लीट आईटीआई का। अच्छा, नेक्स्ट ईयर दिसंबर बोले होंगे? हाँ यस सर। हाँ तो नेक्स्ट ईयर तो खत्म हो जाएगा, मार्च हो जाएगा में भी अगर तुम लोग खत्म होगा तो। हाँ ठीक है, 12th में तो अगर हम मार्च में शुरू कर देंगे तो आराम से अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाएगा। इस yes. साल हम लोग 12th में जो शुरू किए थे मार्च में, तो मार्च में मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया था, उसके बाद जून से फिर शुरू किए हैं, तो जो 17 मार्च को लास्ट क्लास हुआ था उसके बाद 17 जून से शुरू किए हैं, तो मार्च अप्रैल मई जून 3 महीना डिस्टर्ब रहा है और लास्ट चैप्टर चल रहा है। मतलब सर हम लोग का 11 कब खत्म हो पाएगा? 11th जाएगा फरवरी लास्ट तक। ठीक है, जैसे अभी इसके बाद तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, अगर वो दोनों खत्म हो जाएगा उसके बाद तो लगेगा कि यहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, काउंटिंग का है। लेकिन ये 2 चैप्टर में धैर्य रखना पड़ेगा, एक तो नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास और उसका नेक्स्ट रोटेशन। ठीक है, ये दोनों खत्म हुआ उसके बाद लगेगा कि एक शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर में खत्म रहने चलते रहेगा। लेकिन आईटीजी का एडवांस में सिस्टम वेटेज कितना रहता है? 50-50 के आसपास ही रहता है सर, जितने भी देखे सर सब में सिर्फ 12 ही भरा हुआ है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। 12th में 55% का आसपास रहता है और इसमें 45-50 मतलब वही रेशियो रहता है। इधर वाले जो पोर्शन अभी तक पढ़े हो, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से पहले ये सारे जो होते हैं दूसरे क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, डायरेक्टली इसका क्वेश्चंस नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, कोलिजन, रोटेशन, इन सब का इंडिविजुअल क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन इससे पहले रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल, ये सब के क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं होते हैं, ये किसी न किसी दूसरे टॉपिक्स में जोड़ दिया जाता है, यानी कि आगे यही सब चीज यूज होते रहेगा, तो इसलिए इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं जल्दी, बहुत कम मिलते हैं। सर किसमें ज्यादा टाइम देना सही रहेगा? अभी तो जो पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आगे 12th लास्ट तक ये सारे चीज यूज होने वाले हैं,
ठीक है सर, अभी तक जहाँ तक पढ़ लिए वो सब। हाँ, और आगे वाले जो कोलिजन है और रोटेशन है तो भी थोड़ा बहुत पोर्शन उसके यूज होगा, लेकिन मैकेनिक्स पोर्शन जो है अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। यानी कि हम चार्जेस रखेंगे, चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो मोशन होगा तो सब फाइंड करो, वही सब चीजें होंगी। हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो मोशन होगा, सब वही चीज रहेगा। यानी 12th में थोड़ा बहुत कंसेप्ट बढ़ा के बाकी सब यही पढ़ना है, ठीक है। और मोशन है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो वर्क है, ये सारे कुछ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इधर का जो भी पोर्शन है सब आगे यूज होते रहेंगे, तो अभी वाले पोर्शन अगर किसी का दिक्कत है तो उसको कंप्लीट करके खत्म कर लो। इधर वाले पोर्शन में एक फायदा ये भी है कि तुम एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो दोबारा तुमको रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे हर मोड़ पे तुम्हारा ये इंतजार करता हुआ मिलेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर लास्ट में क्या होता है कि लोग फिजिक्स छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं अब हमसे ना हो पाएगा, ये सब मोह माया है। सर इसके बाद सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर है। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ सर, मतलब जो एडवांस में जो सर क्वेश्चन आता, हाँ सर वो जो क्वेश्चन जो आते हैं सर पूरे फिर से सर न्यू रहते हैं या फिर सब बनाया हुआ रहता है कभी ना कभी? देखो देखा हुआ तुमको लगेगा, लगेगा ऐसा लगेगा हाँ कि नहीं देखे हैं, लेकिन नया रहेगा। किस सेंस में सर? जैसे कि कंसेप्चुअली तुमको लगेगा ये चीज कर रहे हैं, और जैसे कि क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा तो 60% क्वेश्चन जो रहेंगे लगभग वो तुमको देखा हुआ भी हो सकता है उस टाइप के, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन हो, लेकिन मोस्टली जो है अगर तुम पढ़े हो कंसेप्चुअली क्लियर हो तो तुमको लगेगा कि हमको आता है, ठीक है हम कर सकते हैं। और बाकी 10% 20% ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जो हमने कभी देखा नहीं होता, एकदम नया कंसेप्ट भी लगाना पड़ सकता है, रहेगा वही चीज लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन होगा, ठीक है। Yes. तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस वाले एक बार देखते रहो, देखोगे तो अपने आप आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन बन रहे हैं। सर प्रीवियस का देखते हैं तो सर अभी तो उसको समझ ही नहीं आता सर क्या क्या है क्या नहीं है। क्यों, जो चैप्टर हो गया उसमें क्या दिक्कत है? सर वो उस चैप्टर का रहता ही नहीं है ना प्रीवियस, मतलब सर वो प्रीवियस क्वेश्चन पे भी डाइट देखते सर, चैप्टर वाइज नहीं है। नहीं तो इसलिए तो बोल रहे हैं अरिहंत का 41 ईयर्स आता है, चैप्टर वाइज दे रखा है, ठीक है चैप्टर वाइज वाला सॉल्व करो, क्योंकि उससे जिस चैप्टर का हो गया उसमें कैसे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी वाले में ज्यादा तो एडवांस में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत कम है, पहले पूछता था अभी के टाइम में थोड़ा कम कर दिया, तो उसको एक बार देखते रहो। देखने से क्या होता है कि मन में लगता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, अंदर से मोटिवेशन भी मिलेगा। यस सर, मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर कौन सा है? यही रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन ग्रेविटेशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको भी वेव्स और मैकेनिक्स दोनों से रिलेटेड है, तो मैकेनिक्स में भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी उसको वेव्स में भी डाल देता है। ठीक है, उसमें वेव्स के भी कुछ फंडे यूज होते हैं, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन है तो इसलिए, और कुछ नहीं। बाकी कहता है कि मोशन है तो मैकेनिक्स में भी आ जाता है, तो बहुत सारे बुक्स में मैकेनिक्स में दिया हुआ रहता है, बहुत सारे बुक्स में वेव्स वाले पोर्शन में दिया रहता है। सर एक और लास्ट डाउट था सर, मतलब जो जो क्वेश्चन एडवांस में आते सर वो किस लेवल के रहते हैं, मतलब सर उनको अगर कंपनी का 6 मार्क्स आना तो सर क्या करना पड़ेगा? देखो जैसे कि क्वेश्चंस जो भी रहता है एडवांस का अगर देखोगे तो देख के सबसे पहले डर लगेगा, ठीक है क्वेश्चंस देख के लगता है कि हमसे नहीं होगा,
लेकिन थोड़ा सा अगर कंसेप्चुअली सोचो तो उस क्वेश्चन में अगर तुम कंसेप्ट सही से सोच लिए कि हाँ ये हो रहा है ये चीज लगेगा, दो चार इक्वेशंस लिखते ही वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है कि देख के डरावना रहेगा, हम अगर वो कंसेप्ट नहीं सोच पाए तो हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई सा भी चैप्टर अगर फिजिक्स का, तो कंसेप्चुअली सबसे पहले स्ट्रांग होना पड़ता है। इसीलिए एचसी वर्मा सबसे पहले कहा जाता है कि उसको पढ़ो, क्योंकि एचसी वर्मा जो बुक है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ये सब जो दिए हुए रहते हैं और रियल लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, देखे होंगे पीछे के करके, ठीक है। तो काफी मोटा मोटा टेक्स्ट रहता है, सिर्फ पढ़ने में सिर्फ तो बहुत ज्यादा टाइम चल जाता है। किस में? एचसी वर्मा में या फिर दूसरी बुक में, सिर्फ तो क्वेश्चन बनाने में फिर। हाँ तो देखो वही चीज तो है कि हम अगर उतने बड़े क्वेश्चन पढ़े सोचे समझे तभी मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा। हम बाकी सब बुक इसलिए नहीं करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बैंक मिलता है बाजार में बहुत सारे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन छोटे, हाँ सिंगेस का भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन जो है डायरेक्टली दे रखे हैं। जैसे हम भी क्लास में कराते हैं तो मोस्टली पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन दे दिए, वैल्यूज दे दिए, बोले ये है समझा दिए, तो उसमें तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं, जिन प्रैक्टिकली तो यही ना हुआ। अगर हम पूरा लैंग्वेज लिख देते, तुम पढ़ते एक बार, समझते कि ये चीज हो रहा है, तब जाके क्लियर होता। इसलिए अच्छी वर्मन जरूरी है, और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखना मतलब पूरा सिलेबस टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो वैसे बुक्स हैं उसको ज्यादा प्रेफर करा जाता है। जैसे तुम इरोडो ही खोलोगे तो उसमें तुमको एक भी फोटो ये नहीं मिलेगा, देख के बोरियत फील होता है। तो उसे कब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो? अच्छा अब कर सकते हो, है क्या तुम लोग के पास? तो अभी तो नहीं है। ठीक है, तो उसमें सारे क्वेश्चंस करने लायक है भी नहीं, बहुत सारे मैथमेटिकल सवाल हैं, तो काम करते हैं, अगर है तो ले लो, हम तुमको देख के हम लोग को चैप्टर वाइज जो भी है हुआ है पीछे का, तो उसमें हम नोट करवा देंगे कि इसका इसका ये सब क्वेश्चंस करने लायक है, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल हैं जो ज्यादा मैथमेटिक्स यूज करता है, तो हम लोग को मैथ से क्या फर्क लेना देना है, कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। और एचसी वर्मा का जो दिया हुआ है उसको पढ़ो और समझो, क्वेश्चन कोई भी मिले तो सबसे पहले सोचो कि हो क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कर लेना बहादुरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे रीजन क्या क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन करो तो इसी चीज पे करो कि इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कैसे कर रहे हैं, कम से कम नया क्वेश्चन जो मिले वो, फिर उस टाइप का मिल रहा है तब तो सब सिमिलर ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नया क्वेश्चन अगर दिखे कुछ नया, तो उसमें सोचो क्या क्या लगा है, क्या क्या कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का भी है सर, संडे को सर आपका, बीच में डाउटिंग भी दीजिएगा। आज आज सर, अभी जस्ट इसके बाद मेरा भी एक क्लास है, ठीक है फिर सर। नेक्स्ट क्लास से सर वो इरोडॉफ से कुछ बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, उसमें हम बता देंगे सर, स्टार्टिंग से सर। हाँ ठीक है, एंड कर रहे हैं आज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।